हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि प्राचीन जो समाजशास्त्री है वो मनीषी हैं, उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है और सामाजिक उत्थान के लिए है वो आश्रमों की व्यवस्था की। आश्रमों के साथ ही उन्होंने एक और सुंदर व्यवस्था की थी जिसको संस्कार कहा जाता है। तो प्रत्येक जो प्राचीन जो सोशल थिंकर्स हैं उनका मानना था कि कोई भी इंसान है वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के साथ ही लेता उस समय जो जो पूर्व के जो पाप कर्म है उसके कारण से उसका जो शरीर है वो अशुद्ध होता है, और ऐसी स्थिति में उसके लिए है उसका जो मन है और शरीर है और आत्मा है उसकी शुद्धि आवश्यक है। तो इंसान की जो व्यक्ति की जो 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 मन आत्मा और जो शरीर है उसकी उसकी शुद्धिकरण करने के लिए है वो संस्कारों की व्यवस्था की गई, और ये संस्कार है वो व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर के है मृत्यु तक है वो संपादित किए जाते थे। इन संस्कारों का अलग अलग धर्मशास्त्रों के अंदर अलग अलग उनकी संख्या का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो गौतम धर्मसूत्र है उसमें 48 संख्या मिलती है, और एक प्रकार से किसी धर्मग्रंथ में 40 की संख्या मिलती है, लेकिन स्मृतियों में इसकी संख्या है वो 16 मिलती है, और सर्वमान्य ये है कि 16 संस्कारों का प्रावधान सनातन धर्म के अंदर है। तो ये जो जो 16 संस्कार है, जैसे मैंने बताया कि संस्कार का मतलब परिष्करण करना या व्यक्ति के जीवन को रिफाइंड करना है वो संस्कार कहलाता था, और संस्कार संपादित होने से है वो एक प्रकार से व्यक्ति में किसी विशेष कार्य करने की योग्यता है वो प्राप्त हो जाती थी, कोई विशेष कार्य करने के अंदर वो योग्य हो जाता था। तो इन संस्कारों का संपादन करना है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है वो सनातन धर्म में आवश्यक था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था संस्कार जो करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो कई ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव तो ये था, जैसे मैंने आपको चर्चा की कि प्राचीन जो हिंदू परंपरा के अंदर ये विश्वास था कि व्यक्ति के जीवन के अंदर है जो अशुभ और आसुरी शक्तियाँ उसका प्रभाव होता है, और ये आसुरी शक्तियाँ हैं उसके प्रभाव के कारण से हैं वो मनुष्य के शरीर पर अथवा उसके स्वास्थ्य पर है और उसकी मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रेतात्माएँ और जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनको आसुरी शक्तियाँ वो मनुष्य के शरीर पर और उसकी आत्मा और मन पर प्रभाव न डालें, उससे वो अक्षुण रहे, इसके लिए है यागिक कर्मकांड के द्वारा है या संस्कार के द्वारा है वो इन जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनको उनसे बचने का है वो प्रयास किया जाता था, तो उसके लिए संस्कार है उनका संपादन किया जाता था। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी जो एक प्रकार से जो हिंदू परंपरा में विश्वास था कि जो व्यक्ति के जो जीवन का जो प्रत्येक काल है वो प्रत्येक देवता के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः यदि किसी देवता को यदि आसुरी शक्तियों से बचने का यदि आह्वान किया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आशीर्वचन देते हैं और उन आह्वान से आसुरी शक्ति से बचा जा सकता है। तो आसुरी और अशुभ शक्तियाँ हैं उनके विनाश के लिए है और उनसे बचने के लिए है वो संस्कारों का संपादन किया जाता था। इसके अलावा जो एक प्रकार से जो संस्कार का दूसरा उद्देश्य था भौतिक जो समृद्धि है वो प्राप्त करना था, पुत्र रत्न की प्राप्ति करना, लंबी आयु प्राप्त करना, बुद्धि और संपत्ति प्राप्त करना, इसके लिए भी है, इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी है वो देवताओं का आह्वान किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि देवताओं से यदि प्रार्थना की जाए और यागिक संपादन किए जाए, ये संस्कारों का संपादन किया जाए तो उनसे एक प्रकार से है वो जो भौतिक जीवन के अंदर है, इस सांसारिक जीवन के अंदर है वो जो धन संपत्ति है और ऐश्वर्य आराम है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो भौतिक समृद्धि की वृद्धि के लिए भी वो संस्कार किया जाता था। संस्कार का जो एक तीसरा उद्देश्य जो ये था कि संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को है वो अभिव्यक्त कर सकता था, अर्थात यदि कोई ऐसा कार्य जिसके कारण से वो एक खुशी अनुभव करता था, जैसे पुत्र जन्म के समय या विवाह के समय, तो ऐसी स्थिति में जो आनंद नामक भाव है उसको अभिव्यक्त कर सकता था, और मृत्यु के समय है किसी अपने के मृत्यु के समय है, नज़दीकी मृत्यु के समय है वो एक प्रकार से जो दुख की जो भाव था
तो उसको भी एक अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से है वो दुख का भाव है उसको प्रकट कर सकता था। तो एक तो संस्कार के माध्यम से है वो, संस्कार एक व्यक्ति के जो इमोशंस है उसको व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। इसके अलावा जैसे कि हिंदू परंपरा में विश्वास था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो एक प्रकार शुद्ध ही रहता है और संस्कारों के माध्यम से वो द्विज बनता है, अर्थात वो संस्कारित बनता है। संस्कारित होने के लिए उसको संस्कार करना, संस्कार वो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो जन्म से पहले उसके शरीर और मन के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उसका नाश कर उसको पवित्र बनाने के लिए भी है वो संस्कार है वो संपादित किया जाता था। तो एक प्रकार से जो संस्कार जो जो किया जाता था उस संस्कार को करने से व्यक्ति है उसको कई प्रकार के जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाते थे। जैसे उपनयन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अधिकारों को प्राप्त करने का भी महत्वपूर्ण साधन था। जैसे उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार को करने से एक प्रकार से जो जो बालक है वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता था। इसी प्रकार समावर्तन संस्कार का संपादन करने से जो बालक है उसको गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। विवाह संस्कार करने से विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो दायित्व हैं उसको पूरा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संस्कार का एक उद्देश्य ये भी था कि संस्कार करने से व्यक्ति को समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, परिवार के प्रति जो विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं वो कर्तव्य हैं उनको करने का एक एक, एक राइट है वो मिल जाता था। तो इस प्रकार संस्कार करने से वो समाज का एक एक, एक सामान्य सदस्य बन जाता था। तो समाज का सामान्य सदस्य बनने के लिए भी है वो संस्कार है वो जरूरी था। इसके साथ साथ क्या है कि संस्कार करने से क्या है कि वो विभिन्न प्रकार की यागिक कर्मकांड है वो धार्मिक क्रियाओं का संपादन करता था और उसको करने से है वो विभिन्न जो प्राणी मात्र के प्रति है वो अपने दायित्वों का पूरा करता था। तो इन दायित्वों को पूरा करने के कारण से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो संभव होता था। और इस इन संस्कारों को करने से है वो व्यक्ति का न केवल भौतिक उत्थान संभव होता था अपितु आध्यात्मिक जो उत्थान है वो भी संभव हो सकता था। तो व्यक्ति की जो 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 चहुमुखी विकास के लिए है वो एक प्रकार से है वो संस्कारों का संपादन है वो जरूरी था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कार है वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक प्रकार से जो अशुभ और आसुरी शक्तियों का जो विनाश है, भौतिक समृद्धि है, सुख और दुख के भावों को व्यक्त करना है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है और जो भौतिक और आध्यात्मिक जो सुखों में जो वृद्धि है उसके लिए है वो संस्कारों का संपादन किया जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ आप जानते हैं कि जो एक प्रकार से जो हिंदू परंपरा है उसमें 16 संस्कारों का प्रावधान है जिसमें जो प्रथम संस्कार है उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है और उसके अंतर्गत है वो गर्भाधान संस्कार है वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता था जिससे कि एक योग्य गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त हो सके। गर्भाधान संस्कार के पश्चात पुष्पन संस्कार किया जाता था और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है वो पुष्पन संस्कार कहलाता था। तीसरा संस्कार है वो सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता था जो एक जो इसका उद्देश्य ये था कि गर्भवती जो स्त्री है उसमें जो अमंगलकारी जो शक्तियाँ हैं वो उसको नुकसान न पहुँचे, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए है वो एक प्रकार से सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था। और जो बालक का जन्म होता था उसके अवसर पर है वो जन्मोत्सव संस्कार किया जाता था और उसको सोने के चम्मच से शहद घी आदि चटाया जाता था और उसको एक तो स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की जाती थी, उसको जातक्रम संस्कार कहा जाता था। उसके पश्चात उसका नामकरण किया जाता था जिसको नामकरण संस्कार कहा जाता था। तो जन्म के 10वें या 12वें दिन वो नामकरण उसका नाम रखा जाता था और फिर उसको जो एक प्रकार से है वो जन्म के जो चौथे मास के अंदर चार माह बाद है वो बालक को है वो पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था और उस जिसको निष्क्रमण संस्कार है वो कहा जाता था। और सातवां संस्कार है वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता था जो 6-7 महीने बाद किया जाता था। तो उसको बालक को पहली बार है वो एक प्रकार से है वो अन्न दिया जाता था तो इसको अन्नप्राशन संस्कार कहते थे। और उसके पश्चात आठवां संस्कार है वो चूड़ाकरण संस्कार कहलाता था। तो इसके अंतर्गत शिशु को पहली बार है वो बाल मुंडवाए जाते थे जिससे कि शरीर मजबूत और बुद्धि तेज हो। और उसके पश्चात कर्णभेद संस्कार किया जाता था, नवा संस्कार जिसके अंतर्गत शिशु के कान बिन्ने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि साइंटिफिक दृष्टि से वो कान बिनना वो अच्छा था और उसके द्वारा जो बालक है वो बुद्धिमान हो जाता था। फिर उसके बाद 10वां संस्कार है वो शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, प्रारंभिक स्तर पर अक्षर की पहचान कराई जाती थी, उसको विद्यारम्भ संस्कार कहते थे। और जो 11वां संस्कार है महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार जिसके अंतर्गत जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता था, इसके अंतर्गत है वो बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था, उसको जनेऊ धारण करवाई जाती थी।
और एक प्रकार से है वो जो जो आश्रम के अंदर है वो बालक को है वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा वो दी जाती थी। और फिर वेदारम्भ संस्कार है, उस वेदारम्भ संस्कार 12वां संस्कार था जिसके अंतर्गत विदों के अध्ययन के लिए 1 वर्ष तक उसको संस्कृत का अध्ययन है वो कराया जाता था जिससे कि वो विदों का अध्ययन कर सके। उसके पश्चात किसान संस्कार कराया जाता था तो जो ब्रह्मचारी होता था उसके बाल कटाए जाते थे, इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता था क्योंकि परिवार की ओर से आचार्य को एक गाय दी जाती थी इस अवसर पर। और उसके पश्चात 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार था, इसके अंतर्गत शिक्षा समाप्ति संस्कार भी कहा जाता है समावर्तन संस्कार को, इसको कन्वोकेशन समारोह भी कहते हैं या इसको समावर्तन संस्कार या दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। और इसका जो करने का जो उद्देश्य ये था कि अब बालक है वो जीवन के विभिन्न संघर्षों के लिए वो तैयार हो गया है और अब उसको एक तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए वो योग्य हो जाता था। और उसके पश्चात है वो विवाह संस्कार है वो कराया जाता था। तो विवाह संस्कार है वो भारतीय संस्कृति के अंदर 8 प्रकार के विवाहों का, धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 विवाह हैं जिसमें ब्रह्म है, देव है, आर्स है और प्रजापत्य है। उसको एक प्रकार से इन विवाहों को है वो धर्म सम्मत माना गया है और आसुर गांधर्व है जो आपका राक्षस और जो पैशाच विवाह है उनको धर्म के विरुद्ध है वो माना गया है। तो जिसमें ब्रह्म विवाह इसके अंदर क्या है, समान वर्ण का जो लड़का है लड़की है उसका माता पिता की अनुमति से विवाह करवा दिया जाता था जिसको ब्रह्म विवाह कहते थे। और देव विवाह के अंतर्गत जो यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसके साथ ही कन्या का विवाह कराया जाता था, उसको देव विवाह कहते थे। और जो कन्या के पिता को जो वर है वो एक जोड़ी गाय बैल प्रदान करता था और इस प्रकार का जो विवाह वो आर्स विवाह कहलाता था। और बिना लेन देन के जो जो विवाह होता था योग्य वर से है उसको प्रजापति विवाह कहते थे। तो ये 4 विवाह है वो धर्म सम्मत माने जाते थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। और असुर विवाह है उसके अंदर वो कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था और एक ये विवाह का एक निकृष्ट प्रकार माना जाता था, इसको असुर विवाह का पैसे देकर के विवाह कराया जाता था कन्या को खरीद करके। गांधर्व विवाह एक प्रकार का लव मैरिज थी, प्रेम प्रसंग पर आधारित जो विवाह है जिसमें माता पिता की अनुमति वो जरूरी नहीं थी उसको गांधर्व विवाह या लव मैरिज जिसको कहा जाता है, प्रेम विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह के अंदर क्या आता है कि राजा है किसी राजा को पराजित कर दिया तो उसकी पत्नी है, पुत्री है या बहन है उसको इच्छा के विरुद्ध है उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। और ये क्षत्रियों के लिए मान्य था तो इसको एक तरह से अपहरण भी कह सकते हैं, इसको राक्षस विवाह कहा जाता था। और पैशाच विवाह है वो इसमें विवाह के अंदर विश्वासघात किया जाता था, अर्थात कोई अचेत अचेत लड़की है या सोती हुई है या पागल है उसके साथ है वो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता था तो उसको पैशाच विवाह कहा जाता था, एक प्रकार से रेप है उसको कह सकते थे। तो इस प्रकार स्मृतियों के अंदर है वो 4 विवाह है, प्रथम 4 विवाह है उसको मान्यता दी गई थी और अंतिम 4 विवाह है उनको मान्यता वो नहीं दी गई थी। इसके अलावा क्या है कि जो प्राचीन जो सामाजिक परंपरा उसमें नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। इसके अंदर क्या आता है कि जो स्त्रियाँ पुत्र प्राप्ति के लिए है वो परपुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकती थी और इस प्रकार के पुत्र को क्षत्रिय पुत्र कहा जाता था और इसको नियोग प्रथा वो कहा जाता था। तो लेकिन इसको निंदनीय माना गया है। लेकिन यदि किसी का पति है वो नपुंसक है या बहुत समय तक है वो उससे दूर रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर नियोग द्वारा है वो अपने देवर से या अपने किसी अन्य पुरुष से है वो संबंध स्थापित करके वो पुत्र प्राप्त कर सकते थे जिसको नियोग प्रथा कहते थे। तो प्राचीन सामाजिक परंपरा के अंदर अनुलोम और जो प्रतिलोम विवाह जिसको अंतरजाति विवाह कहते थे उसका प्रचलन भी था। हालांकि विवाह के अंदर है वो एक प्रकार से सपिंडक और सपरवर विवाह है उस पर प्रतिबंध था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। पहले अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था, यदि उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के उच्च वर्ण का पुरुष है वो निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और यदि उच्च वर्ण की कन्या है और जो निम्न वर्ण के पुरुष से करता था उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। और जो एक प्रकार से क्या है कि जो ये जो विवाह जो इस प्रकार जो एक जैसे मैंने आपको बताया कि विवाह के जो 8 प्रकार है वो धर्म शास्त्रों के अंदर वो प्रचलित थे। तो इसके अलावा है वो जो संस्कार के अंतर्गत है वो एक प्रकार से संबंध विच्छेद जो तलाक का प्रावधान भी था लेकिन इसको बहुत बुरा माना जाता था। और अंतिम संस्कार था उसको अंत्येष्टि संस्कार है वो कहा जाता था। और अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इसके अंतर्गत है मृतक के को स्नान आदि करवा करके है वर्थी पर बैठा करके शमशान में ले जाया जाता था और
उसकी स्वर्ग की कामना है उसके लिए वो की जाती थी। तो इस प्रकार क्या है कि जो संस्कार है वो एक प्रकार से एक 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 रिचुअल्स होते थे, है ना। तो उन रिचुअल्स के माध्यम से है वो एक प्रकार से जो उन रिचुअल के माध्यम से है वो शरीर आत्मा और मन को है वो शुद्ध करने का वो प्रयास किया जाता था। क्योंकि एक प्रकार से भारतीय हिंदू परंपरा के अंदर ये था कि राष्ट्र और समाज के अनुरूप है वो व्यक्ति को चलना सिखाया जाता था। और जो संस्कार है वो एक प्रकार से क्या है कि जो व्यक्ति को है वो राष्ट्र के प्रति है और अपने परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, वो एक प्रकार रिस्पॉन्सिबल और कार्यकुशल बनाने का एक महत्वपूर्ण वो साधन था। तो इस संस्कार के अंदर है वो चित्त 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 और मन है उसके जो पाप है वो एक प्रकार से नष्ट हो जाते थे और व्यक्ति एक प्रकार से रिफाइंड हो जाता था। और एक प्रकार से संस्कार जो व्यक्ति है संस्कार जिसका नहीं किया जाता था उसको एक प्रकार से है वो घृणित दृष्टि से देखा जाता था, और जिसका संस्कार संपादित हो जाता था वो एक प्रकार से उसकी सामाजिक और धार्मिक पहचान वो समाज में हो जाती थी और एक प्रकार से समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो बन जाता था। तो इस प्रकार व्यक्ति की जो जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए वो प्राचीन जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो संस्कार की और 16 जो संस्कार है वो जन्म से लेकर के है या जन्म से पूर्व से लेकर के है गर्भाधान संस्कार के से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के 16 संस्कार सभी व्यक्तियों के लिए है वो करना है, वो आवश्यक है, वो माना गया है। तो इस प्रकार संस्कार भी है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण वो साधन है वो कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।